कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। शुक्रवार की शाम उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई थी। इस आग के कारण प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि धूल और धुएं ने अपना असर इस परिसर और अंबरनाथ परिसर में असर दिखाना शुरू कर दिया है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। ज्ञात हो कि डंपिंग में हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी भीषण आग लगी थी। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग जिस प्रकार से लगी थी उसे देखकर ये चेतावनी नजर आ रही थी कि भविष्य में यदि इस प्रकार से कोई आग लगती है तो एक बड़ी दुर्घटना रूप ले सकती है। वहीं जब इस आग को बुझाया गया, इस आग के बुझ जाने के बाद भी 48 घंटों तक ये धुआं पूरे परिसर में फैल रहा है। इतना ही नहीं, ये धुआं यानी कि डंपिंग से उठता हुआ जो धुआं है वो अंबरनाथ परिसर तक जा चुका है। कैंप क्रमांक 4, कैंप क्रमांक 5 और शहर के अन्य जगहों पर ये धुआं अब भी लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये अंबरनाथ के बैलगांव की तस्वीर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डंपिंग ग्राउंड में जो आग लगी थी और जिसके बाद इस आग को जो बुझाया गया था, जो धुआं अब भी उठ रहा है वो इस परिसर तक फैल चुका है। यानी कि यह चेतावनी है कि भविष्य में ऐसी और घटना अगर घटती है तो इससे नागरिकों को काफ़ी स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है। अब देखना है कि आने वाले समय में इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर कोई निर्णय हो पाता है या फिर इसी तरीके से दुर्घटनाओं का सिलसिला चलता रहेगा। जो उल्लासनगर के 5 नंबर में अवैध डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, उसमें लगी आग के वजह से आज 2 दिनों के बाद भी जो धुआँ उठ रहा है वो धुआँ अब 5 नंबर के 9 विकासित अंबरनाथ के पाले गाँव तक पहुँच गया है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इस धुएं की वजह से ना कि लोगों को आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और बहुत ही सफोकेशन हो रही है। आप देख सकते हैं ये धुआं चारों तरफ पहुंच चुका है। मैं वीडियो को थोड़ा घुमा लूँगा मोबाइल को। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो भी आप देख रहे, पूरी धुंध जो लगी पड़ी है, ये पूरे इस इलीगल डंपिंग ग्राउंड की है। बहुत ही स्मेल और बहुत ही ज़्यादा धुआं पूरा। मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।